ऑफिशियल में जाने परमिट मार मग की जातो आगे चलना स्टेज के ऊपर बाबू बाबू ऊपर ना लाइट लाउडी ये वर्ल्ड तो कर रही है I'm so good.
बादशाह सलाम और उनका किया हुआ हर फर्ज हर काम हमसे होकर गुजरता है। उनका हर काम को इतिहास का रूप हम देते हैं। इतिहास के रूप के आईने अकबरी और अकबरनामा हमने ही दर्ज किया है। शहंशाह हिंदुस्तान के नवरत्नों में शुमार होने के साथ साथ हम उनकी सेना की बागडोर भी संभालते हैं। इस सल्तनत की हिफाजत करना हमारा फर्ज नहीं, हमारा ईमान है। किसी भी छोटे से छोटे खतरे को बादशाह सलामत या इस सल्तनत तक पहुंचने से पहले हमसे होकर गुजरना होगा। चंद लकीरें खींच देने से जमीन का टुकड़ा मुल्क नहीं हो जाता। मुल्क बनता है मोहब्बत और इंसाफ से। मोहब्बत और इंसाफ, इन दो एहसासात को दुनिया और भी नामों से जानती है। मोहब्बत का दूसरा नाम है हिंदुस्तान और इंसाफ का दूसरा नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, यानी कि हम। हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब हमारी इबादत है। हमारी आवाम आवाम नहीं, हमारे लिए खुदा का दूसरा नाम है। इसीलिए हम अपने वली अहद, अपने शहजादे की हर गुस्ताखी माफ कर सकते हैं, हर गुस्ताखी। उनके सियासी ख्वाहिशात, जंग जीतने का उनका जुनून, सब कुछ माफ कर सकते हैं। अगर फर्ज की राह में उन्हें मौत मिलती है तो हम उस मौत का सदमा भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन एक रक्कासा से मोहब्बत, एक रक्कासा से मोहब्बत नाकाबिले बर्दाश्त है, हरगिज नाकाबिले बर्दाश्त है। शहंशाह हिंदुस्तान की बेगमाद महारानी जोधाबाई, रुकैया सुल्तान बेगम और सलीमा सुल्तान बेगम। बेगम बादशाह सलामत की बड़ी बेगम। बादशाह सलामत हमें बहुत मोहब्बत करते थे, मगर उनकी नजरें तब बदली जब उनकी जिंदगी में जोधा आई। जोधा जो हमसे ज्यादा खूबसूरत भी नहीं और ना ही अकलमंद, अगर वो कुछ है तो सिर्फ माँ।
माँ जो हम बन ना सके और बनना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि हम सियासत करना चाहते थे और मलिकाए हिंदुस्तान बनना चाहते थे। शहंशाह से हमारा विवाह राजनीतिक सांधि के कारण जरूर हुआ था, लेकिन एक मुसलमान घर में धर्म को लेकर कभी भी हमारे बीच भेदभाव नहीं हुआ। शहंशाह और हमारे अनगिनत प्रार्थनाओं के वजह से सलीम हमारे जीवन में आए, एक नई उम्मीद लेकर आए। हम रानी जोधाबाई उफ मरियम जमानी से पहले एक माँ है, लेकिन ये माँ कभी कभी दुविधाओं में फंस जाती है, कभी पत्नी बनकर, कभी एक माँ बनकर। शायद एक मुगल बादशाह की बीवी होने का यही फर्ज है, जीवन भर माँ की ममता और पत्नी के फर्ज में झूलते रहना। हमारे पति को उसूल पसंद है, न्याय पसंद है, और दूसरी तरफ हमारे बेटे बगावत में माहिर। इस मोहब्बत और बगावत की जंग में तो हार सिर्फ जोधा की, कभी मां बनकर, कभी पत्नी बनकर। हम सलीमा, बादशाह अकबर की नियामत से हम उनकी पत्नी तो बन गए, पर जहां उन्होंने रुकैया को अपना कर छोड़ दिया, उन्होंने हमें कभी अपनाया ही नहीं। लेकिन हम भी पुराने खिलाड़ी हैं। शौहर बहराम खान के जाने के बाद मजबूरी में बादशाह अकबर की सरपरस्ती को कबूल करना पड़ा, लेकिन सरपरस्ती ने जख्म कम नहीं। निकाह तो किया बादशाह सलामत ने, लेकिन सिर्फ एक फर्ज के तहत, एक सुहागन का दर्जा कभी नहीं दिया। जख्म तो बहुत बड़ा है, लेकिन क्या करें, दिखा नहीं सकते। समझते हैं सियासत क्या है, राजनीति क्या है, समझते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं, इसीलिए चुप है, चुप चाप रुकैया के साथ है, क्योंकि मौका अभी हाथ नहीं आया। और अब तशरीफ ला रहे हैं वो शख्स जिनकी तलवार दुश्मनों के खून की प्यासी है और जिस्म में जो मोहब्बत से भरा दिल है वो बहुत नाजुक है। बहादुरों के बहादुर, सूरमाओं के सूरमा, मुगल सल्तनत के वलीहद शहजादे सलीम, से बखूबी वाकिफ है। हम अपने अब्बा जान के सपनों से भी बखूबी वाकिफ है, लेकिन अफसोस हमारे अब्बा हमारे सपनों से वाकिफ नहीं है, और जिस दिन होंगे उस दिन कहर बरसेगा। मुगले सल्तनत की दीवारों में दरारें पड़ेंगी, लेकिन हमने भी सच्चा प्यार किया है और उस प्यार के लिए हम किसी भी दीवार को फांद के निकल जाएंगे। हम इस दुनिया में प्यार का पैगाम देना चाहते हैं,
इश्क का पैगाम देना चाहते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां मोहब्बत में भी सियासत घुली हुई है, जहां शहजादे को किसी कनीज से इश्क करने की इजाजत नहीं है, उसे बगावत कहा जाता है। और अगर इसे बगावत कहा जाता है तो बगावत होगी। हिंदुस्तान हिंद का दरबार है, मौका है, दस्तूर भी है, तो जश्न शुरू होने में देरी नहीं होनी चाहिए। और रक्स और कौन अच्छा कर सकता है जब अनारकली खुद मौजूद हो। कोई सीने में बगावत लेके पैदा नहीं होता, इश्क बगावत सिखा देता। सलीम, मुगलिया सल्तनत का शहजादा इतना गिर सकता है कि एक रक्कासा के पाजेब का खुंदरू बन के रह गया। मोहब्बत करना गुनाह है तो शहंशाह हिंदुस्तान हमें ये बताइए कि हमारी सजा क्या है। अनारकली, शहजादों को नाचने वालियों के साथ मोहब्बत करने की इजाजत नहीं होती। सिपाहियों, ले जाओ इस बेगैरत शहजादे को और इस रक्कासा को यहां से ले जाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लायक सदर अहतराम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस दरबार की दावत का हिस्सा बने। आइए, मनीषा शर्मा, चीफ कॉन्टेक्ट, मेक्स टाइम टू डू ऑल ऑफ कलर सेट्स एंड वी हैव ब्यूटीफुल एक्टर्स प्लेइंग द पार्ट ऑफ सलीम अनारकली एंड द होल कास्ट हियर विद अस। And I'm really grateful you all made the time to come here. We would like you to take a look at the AV. Can you cue the? Thanks. Amen. Door chali. मिलना खिलाफ दस्तूर था पर उनका पास आना मोहब्बत को मंजूर था। एक कनीज और एक शहजादे में थी उतनी दूरी जितना इस जमीन से वो चांद दूर था। और बगावत की सबसे बड़ी दास्तान मोहब्बत सलीम अनारकली 1 अक्टूबर से सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे। वी हैव अनिरुद्ध द प्रोड्यूसर हियर हु इज पुटिंग हिज ब्लड स्वेट एंड टीयर्स टू गिव अस अ रियली बिग शो एंड वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस शो फॉर अ व्हाइल। So I'm really looking forward to it. It's coming on the 1st October. Please make the time to watch.
It has actually got all the ingredients of a potboiler, if you've seen the little skit that we put out here. So I hope you enjoy watching the show. And Colors, this in the next 3-4 months, is going to bring lots of new, very exciting, very unusual shows. So thanks again for everybody coming. Umang, of course, I've mentioned him more than 5 times, they'll wonder why. Thank you very much for the sets. Please come. Glad you all could make it here, and labor of love you can see in front of you. Bahut mehnat lagti hai ye karne ke liye, but show hi itna bada hai, so obviously designing and you know look waise hi karna tha taki sabki aankhein khuli ki khuli reh jaye. And jab brief leke aaye the hamare paas to ye tha ki we had to do something different what we have not seen before, and basically that line itself, I mean, I just get charged by what we've seen before. We know of how Akbar's palaces are or Salim's palace. So, aur kya kar sakte hai naya? And that's why the brain starts working and let's, okay, create something that nobody's seen before. Acha, Sheesh Mahal hai, toh humara Sheesh Mahal kaisa hai? You know, agar unka darbar hoga, toh kaise hoga? Or bedroom hoga, toh kaise hoga? So, unbelievable new things we've tried to implement, and like we want to shock ourselves, and if we get shocked, people get shocked and they like it. And hopefully, I mean, basically Colors is like a, you know, family to me, because all the shows I like designing for them because they give full freedom. Thank you, Manisha. And like I was telling her, no questions asked. So that's when you do, you know, the best that you can, because you want to prove something to yourself and to them. And thank you for entrusting me in designing these. Thank you, Anirudh. And I hope I have done justice to whatever you described. And aage aage dekhte jao, bahut sare rooms aaki baki hain. And you know, harem is very beautiful. I mean, we go crazy. Me and my wife, like, you know, designing something, something new always excites us. Like, you know, ek choti si khasiyat is jagah par hai. If you see, if you go to any mahal, her curtain similar hota hai. Okay, yahan agar aap dekhoge, to her curtain alag hai. You know, this is by default and by design itself. Like, ऐसे बनते ही नहीं है, एक pattern एक ही बनता है. तो अगर आप देखोगे तो हर curtain अलग है, कोई question करने वाला नहीं है. तो that's why we say, okay, this is what our design is. But that's how detailing is done, and please go and enjoy all the other sets. Thank you. अरे कुछ नहीं यार, फुकट में, nothing. हाँ, ये खानदानी रिश्ता है, nothing. कलर्स के साथ मेरा पहला शो है, तो मनीषा थैंक्स, उमंग जी को मैं कुछ बाकी. हर बार जब आप एक नई कहानी कहते हैं तो वो आपको कितना एक्साइट करती है, उसका नशा कितना होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है. तो जब ये कहानी हम सोच रहे थे, तो मुझे इस बात जब हम ज़्यादा अंदर गए तो लगा कि 50-60 साल में ये कहानी कही ही नहीं गई. आगे सलीम अनारकली पे कभी बात ही नहीं हुई, इतनी कल्ट बड़ी मोहब्बत की दास्तान जो है बताई नहीं गई है. तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि पहली बार एक ऐसी कहानी जिसे जो अनछुआ है हमारे लिहाज से. दूसरा कि मैं मानता हूँ कि जब मैं मिला उमंग से, तो एक चीज़ थी कि उमंग ने कहा कि मैं रियलिस्टिक रखूँगा. हमारे सेट माइथोलॉजी और हिस्टोरिकल के बहुत बड़े होते हैं, तो हमारा एक था कि बड़ा तो हो लेकिन लगे कि लोग रहते हैं उसके अंदर, बसते हैं लोग. और वो और एक हमारे पास हमेशा शीश महल एक कॉन्सेप्ट था, जिसको मुझे लगता है कि उमंग जिस हद तक ले गए हैं, मतलब मैं बार बार सोचता हूँ जब भी अंदर आता हूँ कि अगर उमंग ये शो नहीं कर रहे होते, कुछ प्रोजेक्ट में फिल्म में व्यस्त होते तो क्या होता. तो मैं सचमुच आभारी हूँ आपका और कलर्स की टीम का भी, सोनल, श्वेता, कृष्णा. तो जो मनीषा ने कहा, ब्लड, स्वेट और एक टीयर्स साथ में लगाया था, तो मैं वो कह रहा हूँ कि हम काफ़ी, तीनों की मात्रा बहुत बहुत है, और इसलिए ये शो हर हाल में अपना रंग दिखाएगा ही. और कहानी के ताल्लुक सिर्फ एक छोटी बात है कि इतिहास में जिनका जिक्र नहीं होता वहीं से महान कहानियाँ जन्म लेती हैं, वो ये कहानी है दास्तान मोहब्बत कलर्स पे 8:30 एक तारीख 1 अक्टूबर से. तो देखें, इस सफर में शामिल हों. थैंक्स. एक थोड़ा पीछे जाइए उनको. आ
जी ना मैम रेडी तो बच्चा बच्चा फोटो ले लीजिए यस सेंटर सामने दो सामने सर सर सामने लोग सेंटर लग सर एक सेंटर लोग जल्दी नीचे मिल रहा है वाइड में नहीं मावन सोलो सोलो जी हाँ लेकिन बहुत बात है तो लुक क्या सर सर राइट सर निकला सर इधर यार रेडी मैडम इधर सेंटर लो यस मैडम सेंटर कहाँ है यहाँ पर हेलो एक सेकंड रोड क्या करें जी नेक्स्ट थैंक यू कमिंग होल्ड लिया सर यहाँ पर सर सीटा लाल चल रहा सेंटर सेंटर में बड़ा सही लगा के बाहर चल रही क्या आप ये करते हैं बाकी लोग कहाँ हैं ये हम आपके राइट में जीने में करना अरे तू उधर से आना पकड़ना ओके ओके वेट वेट मैं कुछ आने तू फ्रेम में मत आना हवा अरे भाई अनिल भाई उधर से आना हाँ सर साड़ी पहन अबे इस तरफ से नीचे से निकाल दे नीचे से चलो एक मिनट ये पीछे भी फिर नहीं मिलेंगे कितने एक्साइटेड होने हो आप इस शो को लेकर ओके सर दास्ता है मोहब्बत सलीम अनारकली काफ़ी शो चर्चे में है प्रोमोस काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है कितने एक्साइटेड हो शो को लेकर आप हम लोग तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं ये बहुत ग्रैंड शो है जैसे हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आप शो के लिए उतना ही अच्छा लगेगा अगर दर्शक भी इसे उसी इंटरेस्ट से देखें ओके जैसे कि आप दोनों के कैरेक्टर्स की बात की जाए अभी इंट्रोड्यूस किया गया है इन कैरेक्टर्स के बारे में आपका क्या कहना है किस तरह से फील किया इस कैरेक्टर को आपने वाइल्ड एक्टिंग मैंने तो बहुत ज़्यादा होमवर्क किया इस कैरेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा जब मैं बिना होमवर्क करके आई थी तो थोड़ा मैं लॉस्ट फील कर रही थी फिर बाद में मैंने बहुत पढ़ा बहुत कुछ किया इस कैरेक्टर को अपने आप
में लाने के लिए. सो या मेहनत किए बिना तो कुछ नहीं होता और दिस इज समथिंग डिफरेंट विच आई एम डूइंग राइट नाउ एंड फर्स्ट टाइम ऑन स्क्रीन आई एम डूइंग अ हिस्टोरिकल शो. बट या आई एम हैप्पी दैट फाइनली आई हैव टेकन अप दिस कैरेक्टर एंड आई एम डूइंग इट. शो से पहले आपको ऑन अ पर्सनल लेवल अपने अपने कैरेक्टर्स के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन थी? जितनी इन्फॉर्मेशन थी उससे वो पूरी नहीं थी. यू नो जब हम फ्लोर पे आए तब पता चला कि नहीं ऐसा नहीं इस तरह से करना है. डायरेक्टर ने प्रोड्यूसर ने काफ़ी हमें गाइड किया एंड उसके बाद हमारे रिसर्च और खासकर होमवर्क जो मैंने अपने आप पे ले लिया था कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को मुझे करना है तो एक पर्टिकुलर 10 दिन के लिए मैं किसी चीज़ में बहुत इन्वॉल्व हो गई और फाइनली इस कैरेक्टर को शेप किया. सो ये कहानी है मोहब्बत की, तो आप दोनों की लाइफ में मोहब्बत मतलब मोहब्बत का सही मायने क्या है? मोहब्बत के सही मायने क्या है? हाय, अब तो 9 साल की बेटी हो गई. आप मोहब्बत का मायने मुझे शादी के 13 साल बाद पूछ रहे हैं, अब इससे पूछिए. मोहब्बत को अगर एक वर्ड में डाला जाए तो उसे हम कह सकते हैं रिस्पेक्ट. आई थिंक म्यूचुअल रिस्पेक्ट को हम एक वर्ड में अगर हमको प्यार को डिफाइन करना हो तो वो हो सकती है एक दूसरे की इज्जत करना. अगर इज्जत नहीं हो एक दूसरे के लिए तो वहाँ प्यार नहीं है. Absolutely. Very well said. चाहे आप कोई भी फील्ड में हो कुछ भी काम कर रहे हो बट रिस्पेक्ट अगर हो तो प्यार टिका रहेगा, अदरवाइज इट्स नॉट लव. आप काफ़ी फॉलो करते नज़र आने वाले शो में मैम को, तो उस आपके कैरेक्टर के बारे में बताइए कुछ, किस तरह का कैरेक्टर होगा, क्या उसकी चाहत होगी असलियत में वाइल फॉलोइंग? हाँ जी, जो मेरा कैरेक्टर है वो रुकैया को फॉलो करता है इस रीज़न से कि वो कहीं ना कहीं अपना काम निकालना चाहती है. तो उसे रानी नहीं बनना, मतलब मेरे कैरेक्टर को रानी नहीं बनना, वो चाहती है कि रुकैया रानी बने ताकि हर चीज़ उसके फेवर में आ जाए. कहीं ना कहीं अपने आप उसकी गोद में गिर जाएंगी चीज़ें, क्योंकि रुकैया को पता है कि सलीमा मेरे को फॉलो करती है तो वो कुछ ना कुछ तो मुझे दे ही देगी. तो सलीमा यही चाहती है और सिंस वो ज़्यादा पढ़ी लिखी है, लाइब्रेरियन थी, तो उसका जो दिमाग है वो प्लानिंग करने में नहीं चलता, कॉन्स्पिरेसी वो कर नहीं सकती सलीमा. तो ये डिपार्टमेंट इनका है, कॉन्स्पिरेसी प्लान बनाना, लोगों को यूज़ करना, और मैं यहाँ पे बैठ के पेड़े खाऊंगी. जैसे आप लोगों को यूज़ करते हैं, आप इनको यूज़ कर रहे हैं वो अभी मैं कह नहीं सकती, लेकिन मेरा अपना मेरा मोटिव है अपना काम निकालना. आपकी कॉस्ट्यूम के बारे में काफ़ी, आप बहुत ही सुंदर लगे इस कॉस्ट्यूम में, थोड़ा सा अपने कॉस्ट्यूम के बारे में. मेरा कॉस्ट्यूम जो है थोड़ा सा आप डार्क शेड पे देख रहे हैं, काफ़ी स्टिफ और स्ट्रेट, वो मेरे कैरेक्टर को डिफाइन करता है. बहुत ही मेहनत की हमारी डिज़ाइनर निधि ने एंड ज्वेलरी कॉस्ट्यूम हर एक चीज़ को बहुत अलग तरीके से हर कैरेक्टर के लिए बनाया गया है. एंड मुझे सिंस एक मुगली रानी है उस हिसाब से वो स्ट्रेट कट्स एंड यू नो स्टिफ एक वो बॉडी का जो उन्होंने दिया है पर्ल का, वो भी वो सारा काबुल और मुग़ल के हिसाब से और रानियों के हिसाब से थोड़ा अलग लुक देने के लिए ये सारी चीज़ें उन्होंने दी है. जो अभी किसी ने मेंशन किया था कि इस तरह का लुक किसी और का नहीं आया टेलीविज़न पे, सो आई फील वेरी अप्रिशिएटेड एंड आई फील ब्लेस्ड टू बी यू नो पार्ट ऑफ समथिंग विच इज़ नॉट बीन डन इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेलीविज़न. अबाउट द कॉस्ट्यूम, जो मेरा कॉस्ट्यूम है बहुत लाइट कलर्स हैं, ब्राइट ज़्यादा गॉडी कलर्स नहीं है, डार्क नहीं है. मेरे कैरेक्टर को मद्देनज़र रख के इन्होंने ऐसे मतलब जो रंग दिए हैं, ज्वेलरी दी है, और उसी तरीके से हम रेडी होते हैं, मेकअप करते हैं, तो एक फ्लोई काइंड ऑफ मतलब ये है ड्रेस है, ऊपर से आई हैव अ जैकेट एंड दुपट्टे तो ऑब्वियसली हमें लगाने ही हैं. तो और बहुत बहुत मेहनत से बनाए इन लोगों ने एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इस शो पे सभी लड़कियां बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं. ज्वेलरी की बात की जाए क्वेश्चन से ज़्यादा तो ज्वेलरी हैवी नज़र आ रही है. बिल्कुल भाई, हम क्या कर रहे हैं, हम रानियां हैं, हम रानियां हैं, हमारे पास भर भर के ज्वेलरी, हर सीन में अलग अलग ज्वेलरी पहनते हैं. ओके लास्ट वन, ओके लास्टली पूछना चाहेंगे कि सलीम और अनारकली की कहानी जैसे कि कहा गया अनटच्ड है, तो इस कहानी को किस तरह से आप देखती हो, कैसा आपको फील हो रहा है इस कहानी का पार्ट बनकर? ये बहुत ही सी दिखेंगे से तब की कहानी है जहाँ एक यू नो कोई बड़े घर का लड़का छोटी घर की लड़की से शादी नहीं करता. आजकल के ज़माने में वो डिफरेंस नहीं रहा, यू नो पीपल हैव एक्सेप्टेड, बट ये उस वक्त कहानी है जो रियलिटी
रह चुकी है एंड वो किस तरह से वहाँ उस वक्त प्रॉब्लम्स होती हैं एंड ऑल, तो लोगों ने नहीं देखा इतना. एक बार एक फिल्म बनी थी, वो फिल्म में दर्शाया गया था, बट इस शो में एक्चुअली जो जो हुआ था उस हिसाब से चीज़ें पोर्ट्रे की गई है. तो आई एम श्योर ऑडियंस जब देखेगी तो उनको बहुत अच्छा लगेगा. लास्ट मैसेज क्या है? Which, who's answering which question? I don't know. Because both of them asked at the same time, so it's not right. So. Lastly, you tell us what you are feeling about this show. This show. Being a part of this show. Okay. बचपन से हम देखते आ रहे मुगले आजम एज अ फिल्म, पहले ब्लैक एंड व्हाइट में, फिर कलर में. Now there's a play, and now it's a show. So I'm very happy कि हम इस show का part बने हैं and it'll be I'm really excited to portray my क्या मतलब my role and I मतलब अच्छा लगेगा करके. I hope आप लोगों को भी अच्छा लगे. Lastly fans को क्या कहना चाहोगे? मैं अपने fans को यही कहूँगी कि आप लोगों ने मुझे इतने सालों से इतना ढेर सारा प्यार दिया, भले से वो मेरा पहला show हो, कुसुम हो या कुमकुम हो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, या पिछला show जो मैंने किया था एक भी वाह, ऐसा भी. हर show में मुझे इतना ढेर सारा प्यार दिया है, तो आज मैं आपके लिए पहली बार एक हिस्टोरिकल शो में आ रही हूँ. मुझे प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिएगा, वैसे ही जो आप हमेशा मुझे देते आए हैं. तस्नीम शेख फिर से आपके सामने आ रही है रुकैया बेगम के रूप में. Thank you. बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस शो के लिए, क्योंकि इस सीरियल के जो खूबसूरती है, जो हमारे मुगलिया सल्तनत की शान और शौकत को जिस तरह से ये बयान करता है, मैं खुद हिस्ट्री का बहुत बड़ा आशिक, हिस्टोरिकल्स का बहुत बड़ा आशिक, मतलब सभी हैं, कौन नहीं देखना चाहता है एक अच्छा हिस्टोरिक. गेम ऑफ थ्रोन्स को देखिए कितना बड़ा हिट है. और सबसे बड़ी बात तो ये एक ऐसा शो है जिसको आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के, आराम से बच्चों के साथ बैठ के देख के इंजॉय कर सकते हैं. क्लीन शो है, जब कॉन्टेंट बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और खूबसूरती बहुत है. सारे एक्टर्स बहुत खूबसूरत हैं, कॉस्ट्यूम्स बहुत खूबसूरत हैं. तो मैं समझता हूँ कि ये जो ये शो है सलीम अनार के लिए, इंशाल्लाह ऑडियंस इसको बहुत पसंद आएगा. जैसे कि आप अकबर का जो निभा रहे हैं, के पिता थे, तो किस तरह से इस रोल की आपने रिसर्च लाई, कुछ? बहुत रिसर्च की है, आईने अकबर ही पढ़ा, अकबरनामा पढ़ा और गूगल पे भी जो जो मिलता जाता है पढ़ता जाता हूँ, क्योंकि किसी कैरेक्टर के बारे में पढ़ना तो एक समंदर की तरह है, आप रोज़ पढ़ते जाओ, कुछ ना कुछ मिलता जाता है. ये एक तरह का रियाज है जिसमें आप इतना करोगे तो इतना सा मिलता है. तो कोशिश करते हैं, मैंने हमेशा अपने किरदारों को इंटरनलाइज करने की कोशिश की है. इस रोल को भी मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मुझे और रोल्स के बारे में के लिए जाना जाता है, उसी तरह इस रोल के लिए भी जाना जाएगा. कुछ ज़्यादा लिखा नहीं गया या कुछ बुना नहीं है सलीम और अनार के लिए, हाँ, तो क्या कहना चाहते हैं स्टोरी के बारे में, जब आपको क्या ऐसी चीज़ थी जिसको सोच कर आपने कहा कि ये मुझे बनना चाहिए? ये मतलब किसी भी अदाकार के लिए अकबर का रोल जो है वो एक फख्र की बात है. अकबर, जोधा या रुकैया, ये सारे रोल्स इतने स्ट्रॉन्ग और पावर, सलीम अनारकली, ये सारे रोल्स इतने पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हैं कि किसी भी अदाकार के लिए ये प्राइड की बात है. तो मैं नहीं समझता कि कोई इसको मना करे. इस लुक के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारी मेहनत गई है. देखिए अब सारा कॉस्ट्यूम्स वगैरह हमारी डिज़ाइनर्स ने और प्रोडक्शन हाउस ने बहुत मेहनत करके सारे सेट्स वगैरह बनाए और कंटेंट भी इतना ही पावरफुल. तो मैं समझता हूँ कि ये शो जो है ये सुपर डुपर हिट होगा इंशाल्लाह. फैंस को मैं यही कहूँगा कि जिस तरह आपने मुझे आज तक मोहब्बत दी है, फिर मोहब्बत दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में देखिए हमारा शो दास्तान मोहब्बत सलीम अनारकली. मैं हूँ अकबर आज़म. जय हिंद.
एक्साइटेड हूँ, काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है इस शो के प्रमोशन। मेरा नया शो आ रहा है कलर्स टीवी पर, सबसे पहली बार मैं पहली बार कलर्स टीवी पर के साथ जुड़ रही हूँ, तो ऑफ कोर्स बहुत एक्साइटेड हूँ। नंबर वन चैनल है, शो का टाइम स्लॉट बहुत अच्छा है और स्टोरी बहुत अच्छी है। एक ऐसी हिस्ट्री को हम फिर से दिखाने जा रहे हैं जो लोगों ने हमेशा देखी और पसंद की है, तो बस यही कोशिश है कि लोग इसे भी, इस शो को भी प्यार दें। जैसे कि कहा गया काफ़ी अनटच्ड स्टोरी है, ये ज़्यादा कुछ ना लिखा गया है ना कुछ बना है, तो आप क्या कहना चाहते हैं, कैसा फील हो रहा है आपको इस स्टोरी का पार्ट बनकर? बहुत अच्छा लग रहा है। स्टोरी जो अनटोल्ड है, जिस जो कभी किसी ने सुनी नहीं है, जिसके बारे में सिर्फ सलीम अनारकली, 3 घंटे की फिल्म में आप उतना नहीं दिखा सकते जितना आप डेली सोप में बताएंगे, तो बस उसी का इंतज़ार है। बहुत अच्छी स्टोरी लिखी गई है और बहुत अच्छी तरह पोर्ट्रे की गई है, बस उसको दर्शकों तक लाने का इंतज़ार हो रहा है। तो जैसे कि आपने कैरेक्टर की बात की है, जोधा का जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं, तो क्या कुछ रिसर्च की गई थी इस कैरेक्टर के लिए आपकी तरफ से? देखिए, मैंने इस कैरेक्टर को जितना देखा है उतना समझा है, लेकिन उसके बाद जो हमारे जो मेकर्स हैं उन्होंने काफ़ी रिसर्च की है, चैनल ने काफ़ी रिसर्च की है, प्रोड्यूसर ने, तब जाके पूरी स्टोरी बनाई है और हमने बस वो स्क्रिप्ट को फॉलो किया है। जोधा का रोल है, तो मुझे तो पता था कि अगर महारानी बनना है तो ये ऐसे तो कुछ कम कपड़ों, यू नो, लाइक लेसर ज्वेलरी, लाइट क्लोथ तो होने नहीं वाला है। इट्स गोइंग टू बी लाइक अ फुल फ्लेज्ड, और वही हुआ। एंड आई एम राइट इन फ्रंट ऑफ यू, पहन के बैठी हूँ, कम से कम 15-20 किलो। ओके, ज्वेलरी की बात की जाए, काफ़ी वो भी ड्रेस से ज़्यादा हैवी तो ज्वेलरी नज़र आ रही है। यस, इन ज्वेलरीज के बारे में क्या कुछ नहीं जानते? सी, जोधा एक अकबर की बीवी थी। अकबर वो इंसान है जिसने हिंदुस्तान पे राज किया था और बहुत टाइम तक राज किया था, तो अगर उसकी बीवी दिखानी है, और इंडिया तब के बारे में हम बात कर रहे हैं जब इंडिया एक सोने की चिड़िया हुआ करती थी, तो अगर अकबर की बीवी है तो उसको इतना दिखाना तो पड़ेगा, लाइक यू नो, विद द हैवी ज्वेलरी, तो बस वही हम दिखा रहे हैं एंड पूरा जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें मेरे को पहनना पड़ रहा है, बट दैट आई हैव टू, सो यस। ओके, एंड लास्टली फैंस को क्या मैसेज होगा आपकी तरफ? फैंस को मैं यही कहना चाहूँगी कि हर किरदार में आपने मुझे प्यार दिया है, चाहे वो जो कुछ भी हो, सच्ची में थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब मैं आ रही हूँ जोधा भाई बनकर एक नए शो में जिसका नाम है दास्तानी मोहब्बत, कलर्स पर 1 अक्टूबर से 8:30 बजे। बस आइए और दीजिए अपना बेशुमार प्यार। थैंक यू। मैम प्लीज स्टार्ट करें। ये मुंह ऊपर नहीं रखना, नीचे रखना, नीचे नीचे। एलसीडी बंद करना, उसमें से नहीं दिखता है। कम दे सर, कम दे सर, यू विल गेट अ बेटर एंगल, और यू वांट इट फ्रॉम दैट साइड। ये सामने का कैमरा ऐसा आ रहा है। चलो 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 चलो, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, अब नहीं आ रहा। अनुज, अब नीचे और नीचे आ गए, कैमरा खड़ा कर देगा। हां ठीक है, इससे ज्यादा ऊपर नाक बहने लगे तो बता देना भाई लोग। चले, रोलिंग 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 रोलिंग, आपको पता चलेगा, बोलो ना। ओके शही, कह सकते हैं हिस्टोरिकल शो से नाता पुराना है, फिर से एक बार एक बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट के साथ हिस्टोरिकल शो लेकर आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे? हिस्टोरिकल तो नहीं, हाँ देखा जाए तो ये मैं नहीं जानता, मगर हिस्टोरिकल से मेरा ज्यादा नाता नहीं, वो माइथोलॉजिकल था, मगर इनका है। हाँ, एक ही शो का नाता है यार, एक माय तो एक हिस्टोरिकल। हाँ, मगर इस शो के बारे में बात करें तो अच्छा होगा। हाँ, मतलब आप देख सकते हैं यार, सेट ही इतना अमेजिंग है, स्क्रिप्ट इतनी अमेजिंग है, इतने अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं साथ में, मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट सही हो और क्या अपना कास्टिंग सही हो तो आधा काम तो हो जाता है, तो होपफुली अच्छा ही होगा जो भी होगा।
कैरेक्टर्स की बात की जाए तो क्या यू नो क्या वर्कशॉप करना पड़ा था, कितना मतलब यू नो एक कैरेक्टर में घुसने के लिए, बिकॉज इट्स अ वेरी एक प्रेशर जैसा फील हो रहा है क्योंकि ये बहुत यू नो बहुत अहमियत रखता है ये किरदार, और तो क्या खास तैयारियाँ की थी आप दोनों ने इस किरदार के लिए? मैंने कथक सीखा है और बस मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है अरबाज खान, उसके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया मैंने और उर्दू की डायलेक्ट थोड़ी सी पकड़ने के लिए, एंड काफ़ी सारे उसने मुझे शायरी रिसाइट करी उसने, एंड इट वाज वंडरफुल। शेर आपने क्या? मैंने कुछ खास नहीं किया, लेकिन जानने की कोशिश की कि सलीम के दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्योंकि मेरे लिए वो जानना ज़रूरी है अगर मुझे उसे इनैक्ट करना है, उसे प्ले करना है कैरेक्टर को। तो उस सिचुएशन में, उस टाइम में, या कैरेक्टर स्केच के हिसाब से ही उसने क्या फील किया होगा, तो वो जानना ज़रूरी था, इसीलिए बचपन में या कभी यू नो कभी ये कहानियाँ सुनी थी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के मुझसे, या कभी पढ़ा था हिस्ट्री में मुगल आजम के बारे में? हाँ जी, हिस्ट्री। अब आप बताइए। ऑफ कोर्स हिस्ट्री में अकबर के बारे में तो हमने पढ़ा ही था, एंड सलीम और अकबर के बारे में तो सब जानते हैं, बट अनारकली इज़ अ फिक्टिशियस कैरेक्टर और हम जितनी मर्जी चाहें लिबर्टी ले सकते हैं अनारकली के साथ, सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट। इन द वर्ल्ड ऑफ फेसबुक एंड टिंडर पीपल फॉल इन लव ऑनलाइन नाउ, व्हाई यू शुड वॉच समथिंग लाइक मुगले आजम एंड यू नो वॉच अ लव स्टोरी ऑफ सलीम एंड अनारकली? आई थिंक इट्स टाइम फॉर देम फॉर अस टू रिमाइंड देम दैट इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई चीज़ नहीं है, और आज के ज़माने में भी ऐसी मोहब्बत की जा सकती है। हाँ, आई थिंक इट्स टाइम, दैट्स व्हाई वी हैव कम बैक। या एंड लाइक व्हाट इज ऐसी मोहब्बत एंड यू नो पुराने ज़माने की, लव इज लव एंड लव स्टोरीज आर समथिंग जो सबको अट्रैक्ट करती हैं, एवरीबॉडी वांट्स टू गो वॉच अ गुड लव स्टोरी। जैसे काफ़ी अनटच्ड टॉपिक कहा गया है, अनटच्ड ऑलमोस्ट फ्रॉम लास्ट 50 ईयर्स। हाँ, आजकल की जनरेशन को देखने को मिलेगा, जो एक्चुअली जो स्टोरी है वो अब तो पाठक जी का सो अ लॉट ऑफ कंपैरिजंस आर बीइंग मेड, लेकिन पाठक जी का ये एक बहुत ही नया और डिफरेंट टेक है सलीम और अनारकली की लव स्टोरी पर, और हम कुछ बड़ा ही अनोखा सा लेकर आ रहे हैं और कुछ नया लेकर आ रहे हैं, ऐसा कुछ आपने नहीं देखा है पहले, एंड आई एम श्योर आपको ये पसंद आएगा। कितना मॉडर्न होगा और क्या फिक्शंस भी हैं? मॉडर्न तो नहीं होगा, किसी भी हिसाब से नहीं होगा। सी आई वुड लाइक टू बिलीव दैट इट इज हिस्ट्री, वैसे ही प्ले करने वाला हूँ मैं भी। हाँ हाँ जी बोलिए। नहीं नहीं, क्या सवाल क्या था? रियल लाइफ में कितना प्यार आपके आप दोनों के लाइफ में कितना मायने रखता है, बिकॉज ऐसा शो करने जा रहे हैं जो प्यार से जुड़ा है, तो रियल लाइफ में क्या डेफिनेशन है आपके लिए प्यार की? सबके लिए मुझे लगता है ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके लिए प्यार मायने नहीं रखता। आप जो भी कर रहे हैं, मैं जो भी कर रहा हूँ आज, मैं अपनी फैमिली से प्यार करता हूँ, मैं अपनी लाइफ से प्यार करता हूँ, मैं अपने काम से प्यार करता हूँ, कुछ लोग किसी और चीज़ से प्यार करते हैं, पैसे से प्यार करते हैं, मगर प्यार ही मेन आपके पास ड्राइविंग फोर्स होती है आपको कुछ भी करने के लिए। आप अगर एक बगावत भी करते हैं तो उसके लिए भी आप सच्चा प्यार करना, आपके दिल में वो फीलिंग होनी चाहिए, तभी आप करेंगे। मुझे लगता है कि आज के ज़माने में भी ड्राइविंग फोर्स प्यार ही है और कुछ नहीं है। जी, आपके लिए क्या मायने रखते हैं? जैसा कि इन्होंने बोला, आई थिंक लव रन्स द वर्ल्ड और प्यार ही सिर्फ एक लौता ऐसा इमोशन है जो मायने रखता है, उसके अलावा तो रेस्ट इज ऑल जस्ट नथिंग। ऐसा कुछ नहीं है, बात करते हैं, मुझे ये शो मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे लगता है कि मेरे लिए ड्रीम रोल
बहुत अच्छा शो है और मुझे प्रोमोज देख के बहुत अच्छा लगा तो, और मेरी फ्रेंड है उसमें, लेकिन मेरे लिए यही था, मुगले आजम ही था पहले से। थैंक यू, जो लोग बिना एडिट किए लगाते हैं ना, पूरा साउंड जाओ यार, रुक जाओ संदीदा, मेरा नया शो आ रहा है कलर्स टीवी पर। सबसे पहली बार मैं पहली बार कलर्स टीवी पर के साथ जुड़ रही हूँ, तो ऑफ कोर्स बहुत एक्साइटेड हूँ। नंबर वन चैनल है, शो का टाइम स्लॉट बहुत अच्छा है और स्टोरी बहुत अच्छी है। एक ऐसी हिस्ट्री को हम फिर से दिखाने जा रहे हैं जो लोगों ने हमेशा देखी और पसंद की है, तो बस यही कोशिश है कि लोग इसे भी, इस शो को भी प्यार दें। काफ़ी अनटच्ड स्टोरी है ये, ज़्यादा कुछ ना लिखा गया है ना कुछ बना है इसके ऊपर, तो आप क्या कहना चाहते हैं, कैसा फील हो रहा है आपको इस स्टोरी का पार्ट बनकर? बहुत अच्छा लग रहा है। स्टोरी जो अनटोल्ड है, जिस जो कभी किसी ने सुनी नहीं है, जिसके बारे में सिर्फ सलीम अनारकली, 3 घंटे की फिल्म में आप उतना नहीं दिखा सकते जितना आप डेली सोप में बताएंगे, तो बस उसी का इंतज़ार है। बहुत अच्छी स्टोरी लिखी गई है और बहुत अच्छी तरह पोर्ट्रे की गई है, बस उसको दर्शकों तक लाने का इंतज़ार हो रहा है। तो जैसे कि आपने कैरेक्टर की बात की है, जोधा का जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं, तो क्या कुछ रिसर्च की गई थी इस कैरेक्टर के लिए आपकी तरफ से? देखिए, मैंने इस कैरेक्टर को जितना देखा है उतना समझा है, लेकिन उसके बाद जो हमारे जो मेकर्स हैं उन्होंने काफ़ी रिसर्च की है, चैनल ने काफ़ी रिसर्च की है, प्रोड्यूसर ने, तब जाके पूरी स्टोरी बनाई है और हमने बस वो स्क्रिप्ट को फॉलो किया है। जोधा का रोल है, तो मुझे तो पता था कि अगर महारानी बनना है तो ये ऐसे तो कुछ कम कपड़ों, यू नो, लाइक लेसर ज्वेलरी, लाइट क्लोथ तो होने नहीं वाला है। इट्स गोइंग टू बी लाइक अ फुल फ्लेज्ड, और वही हुआ। एंड आई एम राइट इन फ्रंट ऑफ यू, पहन के बैठी हूँ, कम से कम 15-20 किलो। ओके, ज्वेलरी की बात की जाए, काफ़ी वो भी ड्रेस से ज़्यादा हैवी तो ज्वेलरी नज़र आ रही है। यस, इन ज्वेलरीज के बारे में क्या कुछ नहीं कहते? सी, जोधा एक अकबर की बीवी थी। अकबर वो इंसान है जिसने हिंदुस्तान पे राज किया था और बहुत टाइम तक राज किया था, तो अगर उसकी बीवी दिखानी है, और इंडिया तब के बारे में हम बात कर रहे हैं जब इंडिया एक सोने की चिड़िया हुआ करती थी, तो अगर अकबर की बीवी है तो उसको इतना दिखाना तो पड़ेगा, लाइक यू नो, विद द हैवी ज्वेलरी, तो बस वही हम दिखा रहे हैं एंड पूरा जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें मेरे को पहनना पड़ रहा है, बट दैट आई हैव टू, सो यस। ओके, लास्टली फैंस को क्या मैसेज होगा आपके? फैंस को मैं यही कहना चाहूँगी कि हर किरदार में आपने मुझे प्यार दिया है, चाहे वो जो कुछ भी हो, सच्ची में थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब मैं आ रही हूँ जोधा भाई बनकर एक नए शो में जिसका नाम है दास्तान मोहब्बत, कलर्स पर 1 अक्टूबर से 8:30 बजे। बस आइए और दीजिए अपना बेशुमार प्यार।